दी हकीम चैनल में आपको फिर से खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा अफराद के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे वीडियोज़ और ख़वातीन नहीं देखेंगे, तो मैं पहले से ही उनको बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल का जो बहुत कॉमन मसला है वो नामर्दी का है। और जो जिन हजरात की शादी हो जाती है उसके बाद वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, ये उनके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मुझे किसी की ईमेल आई है और रिक्वेस्ट आई है, मैं सिर्फ उसकी बुनियाद पे ये बना रहा हूँ। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा, जो अफेक्टेड हजरात हैं सिर्फ वही देखें, प्लीज़ बच्चे और ख़वातीन इस वीडियो से दूर रहें। तो शुरू करते हैं। जो नामर्दी का मर्ज है वो आजकल के जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि आजकल हालात कुछ ऐसे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इस किस्म की जो ये फहाशी देखने से नहीं होता, ये फहाशी करने से भी नहीं होता, ये मर्द में मुब्तला बंदा तब होता है जब उसकी ज़हनियत, जो हार्मोन्स हैं उसके ज़हन, दिल और मेदे से मवासलत नहीं रखते और उसका दिल कुछ और करने को करता है लेकिन वो करता कुछ और है। तो मैं ये आपको बड़े सादा अल्फाज में समझाऊंगा। इसके लिए आप, इस मर्द को दूर करने के लिए आप कुछ भी ना करें, मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा। आपने वो तीन चीज़ें अपने पल्ले बांध देनी है, वो आप अपने पल्ले बांध देंगे, आपको इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो ये मर्ज है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास आजकल मूली अवेलेबल होती है, मूली जिसको हम रेडिश भी कहते हैं इंग्लिश में, मूली आपने ले लेनी है। आपने मूली के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं जो हम सलाद में डालते हैं, सलाद के पीस करके आपने चीनी डाल लेनी है, चीनी डालकर आपने उसको खा लेना है। उससे जो आपके स्पर्म्स हैं, जो आपके अंदर जो मवाद है वो उससे उसमें इजाफा हो जाता है। ये था नंबर एक। अब हम नंबर दो की तरफ चलेंगे। नंबर दो में आपने ये कर लेना है कि आपने मूली लेनी है, उसका जो बैक का हिस्सा होता है पत्तों समेत वाली मूली लेनी है। तो आपने मूली की जड़ें आप जितनी खा सकते हैं आप खाएं, उससे आपकी मर्दाना कमजोरी दूर हो जाएगी। ये नंबर दो तरीका था। और नंबर तीन तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। आपने एक चुटकी अजवाइन लेनी है, एक चुटकी अजवाइन लेके आपने 7 दाने सफ़ेद जो मर्च होती है, सफ़ेद वो काली मर्च की तरह एक सफ़ेद मर्च होती है, आपने 7 दाने उसके ले लेने हैं। आपने उसको पीसना है, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालनी है, ये आपने रात सोने से पहले लेके सोना है। ये लेके आप उसके 15 मिनट के बाद आधा गिलास नीम गर्म दूध बगैर चीनी के आपने लेना है और सो जाना है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आपको इसमें अफाका नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई और मसले मसाइल हैं इस हवाले से, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमें ईमेल करें, हम इंशाल्लाह आपसे जितनी जल्दी हो सकेगा रब्ता करेंगे। और ये इलाज हम लोग फी सबीलिल्लाह देते हैं यूट्यूब के ऊपर, हमारा कोई चैनल नहीं है दूसरा, सिर्फ दी हकीम चैनल है हमारा। और जितने तरीके और ये मौजूद हैं, हमारे भाई आजकल क्या करते हैं, 8-8, 10-10 साल के लड़के हैं लेकिन उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, वो कोई ऑथेंटिक बात नहीं करते, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात करेंगे हम आपसे। और हम आपको इसका इलाज, आजमूदा इलाज बताएंगे इसका, जो जिससे किसी को फ़र्क हुआ हो। तो ये सबसे आजमूदा इलाज है नामर्दी का, जो हजरात इसमें मर्दाना कमजोरी में मुब्तला है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। हम अपने नए वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।